लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। केसरबाग क्षेत्र होटल जस्ट नाइन इन में युवती की हत्या का मामला, प्रेमी सुशील जायसवाल ने गला घोट कर की थी हत्या। शादी से मना करने और जमीन के लालच में हुई हत्या। युवती दूसरे युवक से करने जा रही थी शादी। वारदात के दिन शादी और जमीन को लेकर हुआ था विवाद। युवती के नाम दर्ज थी जमीन। विवाद के बाद हत्या कर बाथरूम में फंदे से शव लटकाकर सुसाइड कर दिया था रूप। युवती की पीएम रिपोर्ट में रेप और हत्या की हुई पुष्टि। पुलिस ने हत्यारोपी सुशील को उसके एक साथी राजेश के साथ किया गिरफ्तार। लखनऊ से संवाददाता विमलेश तिवारी की रिपोर्ट। दिनांक 13/9/2022 को थाना केसरबाग के अंतर्गत जो एक होटल है, होटल जस्ट इन, इस होटल के एक कमरे में एक युवती का शव पाया गया था। पुलिस मौके पर पहुंचकर नियमों पर कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम में भी हमें स्ट्रैंगुलेशन आया था। तो इस संबंध में थाना केसरबाग के अंतर्गत जो हत्या का मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रचलित थी और टीम के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए साक्ष्यों का इकट्ठा किया गया और जांच पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उस होटल में जो घटना के पिछले रात एक युवक और एक युवती रुके हुए थे और जो घटना जो सुबह जब देखा गया था तो केवल वहां युवती का शव मिला था, तो जो युवक है वहां से फरार था। उसके संबंध में जानकारी हासिल करते हुए उसका पता करवाया गया और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और उनका नाम सुशील कुमार जायसवाल है और इनके साथ एक और व्यक्ति है वो राजेश कुमार सिंह है, इनके मित्र है और ये घटना खारिज करने के बाद इसके मित्र से संपर्क किया था और इन्होंने उनको भार भगाने में और संरक्षण देने में मदद किया था। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।